Subscribe the channel and don't forget to press the bell icon for regular updates. हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू द टेक्निकल सोल। मैं राहुल शर्मा टेक्निकल सोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं वो है द ऑल न्यू सेंट्रो 2018। काफ़ी टाइम बाद सेंट्रो लॉन्च हुई है। एक टाइम पे सेंट्रो बंद कर दी गई थी लेकिन वापस से ह्यूंडई ने सेंट्रो को लॉन्च किया है। और ये गाड़ी जो है किसी हद तक आपको i10 के कॉन्सेप्ट पे दिखेगी। ये ग्रैंड i10 के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी गाड़ी को निकाला गया है। सेंट्रो को पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, गाड़ी में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सेंट्रो 2018। कम ऑन। द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार, फ्रंट प्रोफाइल में हमें यहाँ पे एक हैलोजन हेडलैम्प मिलता है, टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हमें फॉग लैम्प मिलता है और ये हमें यहाँ पे एक ग्रिल मिलती है जो कि क्रोम कवर्ड है। ग्रिल को क्रोम से पूरा कवर्ड किया गया है। और यहाँ पे बम्पर में आप ये देखेंगे कि हमें ड्यूल टोन बम्पर मिलता है ब्लैक एंड वाइट का, जो ये भी बहुत अच्छा और बहुत प्रीमियम लग रहा है। गाड़ी को एक अलग ही लुक मिल रहा है इससे। और वहीं अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो हमें इस गाड़ी में जो है 14 इंच के टायर मिलते हैं जो कि अलॉय व्हील्स नहीं हैं, बट फिर भी हमें 14 इंच के टायर मिलते हैं। और साइड प्रोफाइल इसकी जो है आप खुद देख सकते हैं कि i10 और ईओन के बीच की एक प्रोफाइल है जो दी गई है। पहली वाली सेंट्रो से टोटली डिफरेंट है, काफ़ी शार्प लाइंस दी गई हैं। आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये एक इस तरह की आपको एक लाइंस यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। ये इन लाइंस का काफ़ी जगह यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल जो है इट्स अ टॉल बैक कार। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी है, काफ़ी ऊंची है, बट इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। और वहीं हम गाड़ी की अगर पीछे की बात करते हैं तो पीछे हमें ड्यूल टोन बम्पर मिलता है। बम्पर में हमें इंटीग्रेटेड सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें सेंसर मिलते हैं, रियर कैमरा मिलता है, यहाँ पे हमें रियर वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिलता है, वॉशर मिलता है, और यहाँ पे हमें टेल लाइट मिलती है और पार्किंग लाइट्स। और ये ओवरऑल लुक है गाड़ी का कि गाड़ी ओवरऑल टोटली चेंज्ड है पहले वाली कार से। बिल्कुल भी सिमिलरिटीज नहीं है इसमें पहली वाली सेंट्रो से। इसको ज़्यादा मस्कुलर बनाया गया है। आप खुद देख सकते हैं फ्रंट ग्रिल देखिए इस गाड़ी की कितनी अच्छी लग रही है। और ओवरऑल इसमें जो चेंजेस हैं वो फ्रंट में जो आउटडोर चेंजेस हैं वो यही हैं। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें इनसाइड द केबिन क्या क्या चेंजेस मिले हैं। हम फ्रंट डोर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल्स मिलते हैं। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें जो है मिरर ORVM कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टर मिलता है, यहाँ पे हमें जो है AC वेंट्स मिलते हैं। और ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है थोड़ा डिफरेंट दिया गया है स्पोर्टी बनाने के लिए। और इसको यहाँ पे हमें जो है लाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स के लिए मिलता है। इस तरफ हमें जो है वाइपर के लिए कंट्रोल्स मिलते हैं। हमें एक स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो कि लेदर कवर्ड नहीं है, बट हमें स्टेयरिंग व्हील में काफ़ी कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं लाइक वॉल्यूम कंट्रोल्स, म्यूट बटन, मोड चेंजिंग, ट्रैक चेंजिंग। और यहाँ से हम हमारी MID स्क्रीन को जो है सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, टेम्परेचर, किलोमीटर एवरेज, ये हम यहाँ से MID स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कॉल पिकअप, कॉल ड्रॉप, इवन हमें वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है इस गाड़ी में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और हमें इस गाड़ी में दो एयरबैग मिलते हैं, एक यहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है। हालांकि स्टैंडर्ड जो इस गाड़ी में है एक ही एयरबैग है, बट टॉप मॉडल में आपको दो एयरबैग मिलेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे हमें एक टच स्क्रीन मिलता है। टच स्क्रीन में आपको जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि इस गाड़ी में आपको एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इस रेंज की। इस गाड़ी में किसी भी गाड़ी में अभी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। सो ये दिस इज़ अ ग्रेट थिंग कि आपको टच स्क्रीन के साथ आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिलता है। यहाँ से आप अपने फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, मीडिया चेंज कर सकते हैं और रेडियो ट्यून कर सकते हैं, म्यूज़िक ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम। ये हज़ार्ड लाइट है, ये यहाँ पे आपको AC के बटन्स हैं, AC फैन स्पीड के लिए है, कूलिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो इसमें कोई भी ऑटोमेटिक AC का ऑप्शन नहीं है, ये मैनुअली आपको सब करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का पावर आउटपुट मिलता है, एक USB मिलती है, यहाँ पे आपको एक स्टोरेज मिलता है जो कि काफ़ी सही है। दिस इज़ अ 5-speed पेट्रोल इंजन कार। सो इस गाड़ी में आपको जो है रिवर्स कैमरा बेस्ड पार्किंग सेंसर भी मिलता है। मैं अभी आपको रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ कि रिवर्स कैमरा कैसे वर्क करेगा। सो ये इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा है और हम देखते हैं कि इसमें हमें गाइडलाइंस भी मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं।
सो हमें इस गाड़ी में जो है गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, विदाउट गाइडलाइंस ही हमें ये गाड़ी मिलती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स की तरफ आते हैं तो हमें पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं, हमें पावर विंडो कंट्रोल्स आपके डोर में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमें ये फ्रंट और रियर, और यहाँ पे आप पावर विंडो को लॉक कर सकते हैं, ये फ्रंट और रियर लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ पे आपको एक स्वच्छता केबिन बॉक्स मिलता है, स्वच्छ केबिन बॉक्स मिलता है यहाँ, एंड ये यही कप होल्डर मिलता है आपको। और उसके बाद अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको भी एक स्टोरेज मिलती है जहाँ पे आप अपने फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको भी एक स्टोरेज मिलती है, एंड ये हालांकि ये कूल्ड नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक स्टोरेज मिलती है। और यहाँ पे आप इसको रियर व्यू मिरर है, मैनुअली आप इसको जो है नाइट में डाउन करके रिफ्लेक्शन को कम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिलता है, ये आपका माइक है, एंड यहाँ पे केबिन लाइट्स हमें नहीं मिलती हैं, केबिन लाइट्स हमें सिर्फ सेंटर में मिलती हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द केबिन फ्रॉम द फ्रंट सीट, आप देख सकते हैं केबिन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब गाड़ी के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे हमें गाड़ी में क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, एंड यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल्स मिलते हैं। आपको इस गाड़ी में रियर एसी भी मिलता है, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इस बजट की गाड़ी में आपको रियर एसी वेंट्स किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय ह्यूंडई। और यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है, एक पार्सल ट्रे मिलती है आपको, और यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट नहीं है। एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ द केबिन फ्रॉम द रियर सीट, आप खुद देख सकते हैं केबिन बहुत ही प्रीमियम लग रहा है ब्लैक एंड बीच कॉम्बिनेशन में। और वहीं अगर हम गाड़ी के हेडरूम की बात करते हैं तो मेरी हाइट 5'11" है, और आप हेडरूम देखिए काफ़ी हेडरूम है, कोई दिक्कत नहीं होगी 6 फीट तक के पैसेंजर को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस गाड़ी में हेडरूम जो है इसका काफ़ी सही है, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको गाड़ी में। एंड इट्स अ नाइस कार, इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, एक स्मॉल फैमिली के लिए इट्स अ इंडियाज़ बेस्ट लविंग कार, और ऑब्वियसली सेंट्रो इंडिया की बेस्ट लविंग कार है, और पहले के मुकाबले काफ़ी सारे चेंजेस हैं, और इट्स अ नाइस कार। आइए अब गाड़ी के बूट की बात करते हैं, देखते हैं कि हमें बूट स्पेस में क्या क्या मिला है, बूट में हमें कितनी स्पेस मिली है। तो ये सेंट्रो का बूट है, और ये हमने पार्सल ट्रे को ऊपर किया, तो हमें इसमें जो है 235 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, बूट स्पेस काफ़ी कम है। बट इसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि आप यहाँ से पार्सल ट्रे को रिमूव करके आप सीट को जो है पूरा फोल्ड कर सकते हैं, तो आप इसकी सीट को जो है पूरा फोल्ड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बूट स्पेस बन जाएगा। और बाकी आपको गाड़ी में जो है बूट स्पेस जो है सिर्फ और सिर्फ 235 लीटर का ही मिलता है। एंड ये पार्सल ट्रे है, आपको इसको रिमूव करना होगा उसको निकालने के लिए। सो, आप इस सीट को हटाकर आप ये चीज़ें आप बूट स्पेस अपना बढ़ा सकते हैं, ये पार्सल ट्रे भी आपको हटानी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल 235 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि ऑब्वियसली कम है, बट ठीक है एक छोटी कार के लिए, बिकॉज आप एक कॉम्पैक्ट कार में इससे ज़्यादा बूट स्पेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बूट। अब आइए गाड़ी का ड्राइविंग सेक्शन देखते हैं कि गाड़ी चलने में कैसी है। सो, अभी हमने गाड़ी का एक्सटीरियर देखा, इंटीरियर देखा कि ये गाड़ी एक्सटीरियर और इंटीरियर वाइज कैसी है। काफ़ी सारे चेंजेस हैं, पहली वाली सेंट्रो से कोई सिमिलैरिटी नहीं है इस गाड़ी में, और इंटरनली चेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे इस रेंज की। सो, आई लाइक द इंटीरियर ऑफ द कार, इंटीरियर बहुत अच्छा है, एक्सटीरियर भी काफ़ी बोल्डर है। अब आते हैं ड्राइव सेक्शन पे, चला के देखते हैं कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज कैसी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी ब्रेकिंग कैसी है, सारी चीज़ें हम अभी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। तो आइए चलाते हैं सेंट्रो 2018। पिकअप ठीक है इसका, और 1100 सीसी का इंजन है इस गाड़ी में, ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। और वहीं अगर इसकी डायनामिक्स की बात करते हैं तो ये 3600 mm लॉन्ग है, वहीं इसकी जो विड्थ है वो है अराउंड 1600 mm की, और इसकी जो हाइट है वो 1500 mm के आसपास है। और जो इस गाड़ी का व्हील बेस है वो 2400 mm का व्हील बेस है, तो इतना ज़्यादा व्हील बेस नहीं है, लॉन्ग नहीं है, बट
इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, तो उसके हिसाब से व्हील बेस इसका काफ़ी सही है। और इस गाड़ी में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो पेट्रोल 1100 सीसी, और वहीं आपको इस गाड़ी में सीएनजी का ऑप्शन भी मिलता है, विच इज़ अ नाइस थिंग। और वहीं अगर हम गाड़ी की पावर की बात करते हैं, तो ये गाड़ी जो है 69 पीएस पावर प्रोवाइड करती है एट 5500 आरपीएम। वहीं मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करती है 10.1 केजीएम एट 4500 आरपीएम पेट्रोल में। और वहीं सीएनजी में भी इसकी पावर अलग है, सीएनजी में ये आपको 59 पीएस पावर ही प्रोवाइड करेगी, और आपका जो मैक्सिमम टॉर्क जो होगा इसका वो होगा 8.6 केजीएम एट 4500 आरपीएम। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गाड़ी की जो राइडिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, और ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं। इट्स अ यू नो कंप्लीट पैकेज कार। इसमें आपको टू एयरबैग्स मिलते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, जो कि किसी भी और गाड़ी में नहीं है आपकी। इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, पिकअप काफ़ी अच्छा है, सिटिंग भी इसकी काफ़ी हद तक कम्फर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सिटिंग में, और पावर भी काफ़ी सही है इस गाड़ी का। और वहीं अगर हम गाड़ी की टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, तो इस गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो आप देखिए कितना मिनिमम टर्निंग रेडियस है, आप खुद देख सकते हैं। आप खुद देखिए इस गाड़ी का कितना मिनिमम टर्निंग रेडियस है, आपको ट्रैफिक में इस गाड़ी को टर्न करने में, हैंडल करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इट्स अ नाइस कार। तो वहीं हम अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की भी बात करते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं आपको इस गाड़ी में जो किसी और गाड़ी में अवेलेबल नहीं है इस रेंज की। एंड राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं आपको आएगी। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग ऑन 65 एंड मुझे गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है, किसी भी प्रकार की मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी स्टेबल नहीं है। बिकॉज इट्स अ कॉम्पैक्ट कार, तो आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि गाड़ी हाई स्पीड में कितनी स्टेबल है, कितनी स्टेबल नहीं है। राइट नाउ आई एम ड्राइविंग ऑन 90 और स्टेबिलिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, बहुत सही है, गाड़ी कंट्रोल में है, और दैट्स इट। मतलब आई लाइक द कार। कार बहुत अच्छी है, पावरफुल है, और सबसे मेन चीज़ ये है कि डेफिनेटली Hyundai इज़ अ ट्रस्टेबल ब्रांड, और सेंट्रो पहले से ही बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद थी, और Hyundai ने वापस सेंट्रो को निकाला है इसी वजह से, और आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी कार, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कार।